नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। पिछले महीने भर से एसडीएम ज्योति मौर्या का विवाद लगातार सुर्खियों में है। आलोक मौर्या रोते बिलखते हुए इंसाफ की गुहार कर रहे हैं और साथ ही ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या के परिवार की लड़ाई अब अदालत तक जा पहुंची है। लेकिन इन सभी के बीच में जो सबसे खास वजह है वो है एसडीएम का पद, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद खड़ा हुआ। पत्नी उत्तर प्रदेश की ग्रेड ए अफसर हैं तो वहीं पति सफाई कर्मचारी। इसी वजह से दोनों में दूरियां बढ़ गई और अब मुश्किल ही आ रही है कि कौन सही है कौन गलत है, इसका पता नहीं लगाया जा रहा। और ज्योति मौर्या ने तलाक की अर्जी भी दी है। दूसरी ओर आलोक मौर्य जगह जगह गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ उनकी पत्नी ज्योति ने धोखा दिया है। लगातार सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि ज्योति मौर्य एसडीएम पद पर है। तो चलिए आज इस रिपोर्ट में जानते हैं कि तकनीकी रूप से क्या ज्योति मौर्य को एसडीएम कहना सही है। फिलहाल ज्योति मौर्या का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पद नहीं है, यानी कि वो एसडीएम नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर वो किस पद पर हैं। मौजूदा समय में ज्योति मौर्या पीसीएस अधिकारी हैं। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या बरेली चीनी मिल में बतौर जनरल मैनेजर कार्यरत हैं। ऐसे में फिलहाल जीएम ज्योति मौर्या कह सकते हैं। बनारस की रहने वाली ज्योति पीसीएस अधिकारी बनने के बाद कौशाम्बी, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और लखनऊ में तैनात रही। जीएम और एसडीएम के पद में काफ़ी अंतर होता है, इसलिए ज्योति मौर्या को एसडीएम कहना गलत होगा। हालांकि जानकारी के मुताबिक साल 2016-17 के दौरान ज्योति मौर्या जौनपुर में एसडीएम पद पर थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ज्योति मौर्या एसडीएम है, ये कैसे खबर बनी। कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले आलोक मौर्या ने मीडिया के सामने आकर के ये दावा किया था कि ज्योति मौर्या को एसडीएम बनाने में हर संभव मदद उन्होंने की और पत्नी को पढ़ाने के लिए कर्ज तक लिए। लेकिन एसडीएम बनने के बाद वो धोखा दे रही हैं। यही ज्योति मौर्या के नाम के साथ एसडीएम पद जुड़ा और यहीं से ज्योति मौर्या को एसडीएम ज्योति मौर्या कहा जाने लगा। गौर करने वाली बात यह है कि ज्योति मौर्या ने साल 2015 में पीसीएस की परीक्षा में 16वां स्थान हासिल किया था, जो राज्य का ग्रेड ए पद है। हालांकि एसडीएम पद के लिए राज्य स्तर की सिविल सेवा यानी पीसीएस की ही परीक्षा पास करनी होती है। एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट किसी ज़िले में डीएम यानी मजिस्ट्रेट के नीचे काम करता है। पीसीएस अधिकारी को सैलरी के साथ साथ कई प्रकार के भत्ते की सुविधा मिलती है। सरकारी आवास, सुरक्षा गार्ड, माली और कुक जैसे हाउस हेल्प, एक सरकारी वाहन, एक टेलीफोन कलेक्शन, फ्री बिजली वगैरह मिलते हैं और साथ ही रिटायरमेंट के बाद सरकारी आवास और पेंशन भी दी जाती है।